गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिशिर पटेल, आपका दोस्त, हेल्थ गाइड, हेल्थ मोटिवेशन स्पीकर, एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, लास्ट 6 साल से पटेल हॉस्पिटल गोत्री वडोदरा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप सभी का पटेल हॉस्पिटल के क्रिएशन यूट्यूब चैनल हेल्थ सीक्रेट में तहे दिल से स्वागत है। मैं नॉमिनेटेड हूँ एज अ मेंबर ऑफ अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, नॉमिनेटेड हूँ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फॉर डायबिटिक अवेयरनेस। अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल हेल्थ सीक्रेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले, जिसके माध्यम से आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मार्गदर्शन करूंगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी और उसके घरगथ्थू उपाय, जिससे विटामिन डी को कैसे हम घर बैठे ही कुछ दवा से बढ़ा सकते हैं। आओ सबसे पहले जानते हैं विटामिन डी क्या है। विटामिन डी एक विटामिन है जो कि हमारे बॉडी में बनता नहीं है, इसीलिए हमें रोज उसे हमारे खाने में या बाहर की कोई चीज जैसे कि दवा या सन एक्सपोजर से रोज लेना पड़ता है। तो सबसे पहले विटामिन डी के क्या फंक्शन होते हैं, क्या जरूरियत होती है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहला हड्डियां बनाने के लिए, दूसरा मसल्स का काम करने के लिए, स्नायु का काम करने के लिए, बीपी को रेगुलेट करने के लिए, हमारी प्रतिकार शक्ति को मेंटेन करने के लिए, मस्तिष्क को काम करने के लिए और कैल्शियम फॉस्फेट का जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरियत होती है। अब विटामिन डी कम कैसे होता है शरीर में, तो सबसे पहले छोटे बच्चे और उम्र वाले लोग, ऐसे लोगों में कमी पाई जाती है। दूसरी चीज़ कि जो लोग धूप में बिल्कुल नहीं निकलते हैं, कंटिन्यू कार में या घर में या एसी में बैठे रहते हैं, बुर्का पहनते हैं, और जिनको सन एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे लोगों में विटामिन डी कम होता है। फिर जिन्हें किडनी या लिवर की बीमारी है या कोई ऐसी कोई सर्जरी की है कि जिसमें आपकी चर्बी का जो एब्सॉर्प्शन है, जो चर्बी का जो हमारे बॉडी में जो एब्सॉर्प्शन होता है वह अगर कम हुआ हो तो उसके कारण विटामिन डी कम हो सकता है। वजन बहुत ज़्यादा है, कुछ दवाएँ होती है, और अगर आपका स्किन थोड़ा काला है तो भी हमारे शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जा सकती है। तो लक्षण क्या होते हैं विटामिन डी कम होने के, तो सबसे पहला कि कैल्शियम और फॉस्फेट शरीर में कम हो जाता है, जिसके कारण शरीर में पेन होने लगता है, मसल पेन होता है, बोन पेन होता है, कभी कभी पैरों में पेन होने लगता है, पैर की नसें चढ़ जाती है, मसल में क्रैम्प्स आने लगते हैं। फिर एक रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ऐसी दो बोन की बीमारी होती है। रिकेट्स छोटे बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया बड़े लोगों में होता है, जिसमें बहुत ही कम इंजुरी में, बहुत ही माइनर ट्रॉमा में भी आपके बोन्स के फ्रैक्चर हो सकते हैं। फिर आपके स्नायु का वीकनेस, यानी आपको कमजोरी लग सकती है, कमजोरी के साथ साथ मसल स्नायु का दर्द, और उसके साथ इम्यूनिटी कम हो सकती है। और कुछ रिसर्च ऐसा बोलता है कि विटामिन डी कम होने से आपको हृदय के भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तब उसे कैसे डायग्नोस किया जाए विटामिन डी को, विटामिन डी हमारे शरीर में कम है उसे कैसे पता किया जाए, तो सिंपल ब्लड टेस्ट जो 500 से 1000 रुपए में मार्केट में अवेलेबल है, जिसका नाम है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जो कि मिनिमम 20 से ज़्यादा रहना चाहिए बॉडी में, और अगर 100 से ज़्यादा है तो उसे हार जाता है। अब विटामिन डी का टेस्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है, तो इसको इंटरप्रेट करने के लिए सिंपल, जैसे मैंने ये चार्ट बताया है, कुछ लेबोरेटरी नैनोग्राम पर एमएल में रिपोर्ट देती है, कुछ लेबोरेटरी नैनो मोल पर लीटर देती है, उस हिसाब से आप आपका रिपोर्ट कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक मैंने रिपोर्ट उसमें ऊपर दिखाया है, जिसमें विटामिन डी 10 है, उसमें सीवियर डेफिशिएंसी दिखा रहा है ये पेशेंट के अंदर, तो आप आपका रिपोर्ट करके जानिए कि आपका विटामिन डी नॉर्मल है कि नहीं। साल में एक बार चेक करना चाहिए मिनिमम, और अगर कम है तो किसी डॉक्टर के पास जाके उसे नॉर्मल करवा सकते हैं। फिर किसने विटामिन डी का टेस्ट करना चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं कि जिन्हें रेगुलर विटामिन डी पे ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहला जिनके बॉडी एक होता रहता है, कमजोरी लगती है, स्नायु का दर्द होता है, या जैसे मैंने पहले भी बताया था वीडियो के शुरुआत में कि जो लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी होने की शक्यता वो ज़्यादा होती है, जैसे कि छोटे बच्चे, उम्र वाले लोग, प्रेगनेंसी,
अच्छा, जो लोग बिल्कुल सन एक्सपोजर नहीं होता है, लिवर किडनी डिसीज के पेशेंट, ऐसे लोगों को विटामिन डी कंपलसरी करना चाहिए। बट स्टिल मेरी सलाह ऐसी है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका विटामिन डी कम होगा ही, क्योंकि हमारी स्किन थोड़ी काली होती है, इसलिए सभी लोग साल में एक बार विटामिन डी प्लीज करवाइए। क्या विटामिन डी के साथ कैल्शियम लेना कंपलसरी है? यस, क्योंकि विटामिन डी का मेन फंक्शन बोन बनाना है और बोन बनाते वक्त विटामिन डी को कैल्शियम की जरूरत होती है, इसलिए हमेशा याद रखिए विटामिन डी का अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ कैल्शियम लेना ना भूलिए। अब विटामिन डी को कैसे बढ़ाया जाए? अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी कम है तो उसे बढ़ाने के लिए एक तो कैप्सूल या टैबलेट अवेलेबल है या तो फिर इंजेक्शन अवेलेबल है। अभी इंजेक्शन ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो चुके हैं क्योंकि उसके पेन और साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। कंपैरेटिवली टैबलेट और कैप्सूल बहुत अच्छी मार्केट में अवेलेबल है और उससे विटामिन डी भी बढ़ जाता है। इसलिए आप कोई भी आपके फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन की सलाह से यह टैबलेट लीजिए और आपका विटामिन डी आप नॉर्मल कर सकते हैं। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या होता है? तो नेचुरल सोर्स सनलाइट होता है। जो धूप में अगर हम एक्सपोज होते हैं उससे हमें सनलाइट पूर्णतः मिल सकता है, मगर हमेशा याद रखिए जो भी सन एक्सपोजर है उसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है आपके उम्र के हिसाब से, स्किन के कलर के हिसाब से, आपका सन एक्सपोजर कितना टाइम आप एक्सपोज हो रहे हैं और आपके अंडरलाइंग मेडिकल डिसीज, ये चार चीज़ों से आपको कितना सन एक्सपोजर कितना मिनट लेना चाहिए और उससे कितना विटामिन डी बनेगा वह डिफर हो सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आप इतना मिनट अगर एक्सपोज होते तो हर इंसान में सेम ही विटामिन डी बनेगा। तो कितना सन एक्सपोजर करना चाहिए, कितनी देर धूप में बैठना चाहिए आइडियली हमें प्रॉपर विटामिन डी मिलने के लिए, तो अगर आप यह वीडियो में देखोगे तो एक महाराज है जो कि सूर्य को जल चढ़ा रहे, जैसे हमारे हिंदू धर्म में पहले से प्रथा है कि सूरज को रोज सुबह जल चढ़ाना है, तो वह जल चढ़ाते वक्त जैसे उनका मस्तिष्क, गर्दन, हाथ और पेट, पीठ और छाती और पेट इतना भाग खुला है, तो आइडियली इतने खुले भाग के साथ 10 से 15 मिनट सुबह 10 से दोपहर में 3 बजे तक कभी भी आप सन एक्सपोजर ले सकते हैं और उस टाइम पे आइडियली आपके हाथ और आपका जो पैर है, पैर के साथ में आपका फेस, इतना अगर आप खुला रखते हैं तो भी आपको सफिशियंट विटामिन डी मिलेगा। अगर आप एशियंस हैं तो नॉर्मली यूरोपियंस के कंपैरिजन में हमें 3 टाइम ज़्यादा सन एक्सपोजर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा देर धूप में रहना पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर हमारी स्किन काली है, थोड़ी गेहुआ कलर अगर हमारा है जैसे एशियन लोगों का, तो यूरोपियन जो गोरे लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में हमें 6 से 10 टाइम ज़्यादा धूप में रहने की ज़रूरत पड़ती है। फिर जो हम काफ़ी बार सनस्क्रीन जो यूज़ करते हैं वह सनस्क्रीन के कारण भी विटामिन डी स्किन में नहीं बनता है और उसके कारण विटामिन डी डिफिशियंसी हो सकती है। और जो लोग बुरखा पहनते हैं एटलीस्ट दिन में एक बार घर के छत पे जाके जितना पार्ट मैंने एक्सपोज करने के लिए बोला एटलीस्ट हाथ, फेस और गर्दन, अगर आप लेडीज हो तो घुटन तक पैर, आपका फेस, छाती तक का थोड़ा भाग, गर्दन का और आपके हाथ, इतना भी आपको अगर खुला करके आपके छत पे बैठो तो आपको सफिशियंट विटामिन डी मिल सकता है। और फिश लिवर ऑयल, ऐसे काफ़ी सारे कैप्सूल्स और डब्बे यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट किया जाता है कि आपका विटामिन डी इससे बढ़ेगा। क्या फिश लिवर ऑयल लेना चाहिए विटामिन डी के लिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण हमारे बोन्स, हड्डियाँ और लिवर, ये तीनों चीज़ें डैमेज होने की शक्यताएँ होती है। इसलिए प्लीज़ फिश लिवर ऑयल कभी भी विटामिन डी को बढ़ाने के लिए मत लीजिए। वेजिटेरियन सोर्स कोई भी नहीं है विटामिन डी का, अल्टीमेटली जब तक कि वो वेजिटेरियन सोर्स में कोई फोर्टिफाइड है ना उसमें ऐड ना करे विटामिन डी तब तक। कुछ दूध और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं डेयरी प्रोडक्ट और कुछ चीज़ें भी होती है जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स और जो फोर्टिफाइड करती है कंपनी विटामिन डी डाल के, उसमें से हमें विटामिन डी थोड़ी मात्रा में मिल सकता है, मगर उससे आपकी डेफिशियंसी कभी भी पूरी नहीं होगी। नॉन वेजिटेरियन सोर्स, यस, विटामिन डी नॉन वेजिटेरियन सोर्स में अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल होता है, जैसे कि फैटी फिश, ट्यूना, मार्कारेल और सैल्मन, और बीफ लीवर, बीफ का लीवर जो लोग नॉन वेज लेते हैं उनके लिए, और एग योक, ऐसे इन तीन चीज़ों में नॉन वेजिटेरियन सोर्स में विटामिन डी पाया जाता है। अगर आप यह रेगुलर बेसिस पे लेते रहोगे तो आपका विटामिन डी कम नहीं होगा। अब अगर विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाए या कंटिन्यूस लिया जाए तो क्या उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है? यस, टॉक्सिसिटी हो सकती है,
और उसके कारण ज्यादातर पेशेंट्स को वीकनेस और बॉडी एक होता है। और हमेशा याद रखिए, वीकनेस और बॉडी एक, कमजोरी और शरीर में दर्द, यह विटामिन डी डेफिशिएंसी कम होने के कारण भी होता है और ज्यादा होने के भी कारण होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर आपके शरीर में दर्द है और वीकनेस है तो ऐसा हमेशा नहीं है कि आपके बॉडी में विटामिन डी कम होना ही चाहिए। अगर आप ओवर डोजिंग लेते हो तो विटामिन डी के टॉक्सिसिटी के साइन बॉडी में डेवलप हो सकते हैं और उसे कम करने के लिए डायलिसिस करना पड़ता है। इसीलिए प्लीज ओवर डोजिंग से बचिए, आपके डॉक्टर की सलाह के बिना विटामिन डी मत लीजिए। क्या नॉन वेजिटेरियन लेने वाले लोगों में भी विटामिन डी कम हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर एब्सॉर्प्शन में कहीं पे प्रॉब्लम है बॉडी में तो विटामिन डी कम हो सकता है। इसलिए नॉन वेजिटेरियन लेने वाले लोगों में भी विटामिन डी साल में एक बार चेक होना चाहिए। क्या विटामिन डी सप्लीमेंट डेली लेना चाहिए? यस, 1000 इंटरनेशनल यूनिट आप रोज सेफली ले सकते हैं साल में एक बार चेक करके आपके डॉक्टर के सलाह से, जिसके कारण आपको रेगुलर बेसिस पे विटामिन डी मिलते रहे। या फिर हाई डोज के कुछ कैप्सूल्स आते हैं जो कि आप 3 महीने से 6 महीना कोर्स करके या मंथली कोर्स करके भी आप विटामिन डी नॉर्मल रख सकते हैं।